सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड वेलफेयर असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर पंजाब कमीशन फॉर एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड मेडिकल सोशल ऑफिसर डिप्टी ऑफिसर कसूर बुनियाद यूनिसेफ यूएनडीपी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हमें इसे सीखने का मौका और इसका फ़ायदा ये है कि जहाँ इसमें बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं भी करना था अब वो पढ़ रहे हैं वो समझ रहे हैं वो देख रहे हैं वो हर एक का रोल जान रहे हैं तो इसको भी एक ब्लेसिंग के तौर पर लेना चाहिए कि बहुत सारे एक्टर्स करेक्टर्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं और एक और चीज़ ब्लेसिंग एक और तरीके से कि हमें कुछ टाइम मिल रहा है अपनी कम्युनिटीज़ को मोबिलाइज करने का अगर फ़ौरन इलेक्शन हो जाते तो शायद अपनी कम्युनिटीज़ मोबिलाइज ना कर पाते तो अभी आप इसको इस तरह से मिलेगी आपको काफ़ी टाइम मिलेगा कम्युनिटीज़ को मोबिलाइज करने का एजुकेट करने का उनको इंकरेज करने का कि पॉलिटिकल फील कर रहे हैं कि उन्हें उस दिन निकलना है वैसे नहीं निकलना इसलिए इजी रहें मैंने यूएनडीपी का एक प्रोजेक्ट था विमेन पॉलिटी के नाम से था और ये बड़ा एक हैवी प्रोजेक्ट था जब डेवोल्यूशन हुआ डिसेंट्रलाइजेशन हुई और 33% रिप्रेजेंटेशन दी गई तमाम लेवल्स पर यूनियन काउंसिल तहसील हर जगह तो उसमें फर्स्ट टाइम क्योंकि ख़वातीन ने मैंडेटरी था उनके लिए इतनी सीट्स को फिल करना वो आई और जो उस वक्त आई वो आप उनके हालात जान सकते हैं कि उनको कोई पॉलिसी मेकिंग का पता नहीं था बजटिंग का पता नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंसी सर्विसेज का पता नहीं था लेजिस्लेशन का प्रोसीजर नहीं पता था तो वो जस्ट लाइक एक रबर स्टैम्प जो थे वो बस उनको यूज़ किया जाता था कि हर चीज़ पे उनके सिग्नेचर्स ले लेने अंगूठे लगवा देने तो हमें मौका मिला पूरे पाकिस्तान में ऐसी काउंसलर्स की ट्रेनिंग करवाने का हमने राजनपुर से लेकर और अटक तक पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में इसको फिर हमारे नेशनल लेवल पे इसकी कंसल्टेशंस होती थी तो ये एक बहुत बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट था जिसमें कि हमें ख़वातीन को खसूसी एजुकेट करने का मौका मिला और उसमें से बहुत सारी लोकल लेवल की काउंसलर जो थी वो आज MNA MPS भी बनी तो मुझे जो उस दौरान थोड़े से एक्सपीरियंस हुए उनके साथ कि किस तरह के फैक्टर्स हैं जो कि उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हर्डल्स क्रिएट करते हैं तो जैसे हमारे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की यहाँ फैकल्टी बैठी है माशाल्लाह सीनियर फैकल्टी उन्होंने भी बताया कि बेसिकली ये स्टार्ट होता है हमारे फैमिली सिस्टम से हमारी फैमिली ही नहीं चाहती कि हमारी ख़वातीन जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस में जाए आप कह के देखें कि मैंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है फिर आप अपनी फैमिली का रिस्पॉन्स देखेंगे ओवरऑल हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक कल्चर है फैमिली डायनामिक्स है वो हमें सपोर्ट नहीं करते तो यहाँ से बात शुरू होती है फिर एजुकेशनल अटेनमेंट है ख़वातीन की एजुकेशन जिस लेवल की है वो भी आप देख सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आप पाबंदी लगा दें BA या मास्टर्स की तो फिर वहाँ पर भी उनकी रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स हैं वायलेंस और हैरेसमेंट है देखिए इलेक्शन नाम ही वायलेंस का है पाकिस्तान में तो ठीक है यहाँ पर आई एम सॉरी टू से जिसके पास एक डाला है 6 गुंडे हैं और गन्स हैं और बहुत सारी दौलत है इलेक्शन लड़ना उसी का काम समझा जाता है ठीक है ना और इलेक्शन में जो तो डरा धमका के वोटर्स को ले जाता है तो वो जीत जाता है तो पाकिस्तान में जो इसके साथ वायलेंस अटैच है जब तक आप इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो ख़वातीन नहीं बाहर आएंगी और दूसरे सेक्टर दूसरे सेगमेंट भी बाहर नहीं